हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्यूटर की नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले नेटवर्किंग को जानते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है। चलिए देखते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन स्थापित करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं। पहले देखिए, एक कंप्यूटर ये है एंड तीसरा ये है ना। ये देखिए, ऐसे समझते हैं इसको, ये एक रूम है, इसके अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा, ये बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। लेकिन इसको अब हम नेटवर्क के रूप में नहीं कह सकते कि ये एक नेटवर्क के रूप में जुड़े हुए हैं। जब तक इनके एक दूसरे से ये जुड़े नहीं होंगे, तब तक हम इसको एक नेटवर्क नहीं कहेंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तो ही ये नेटवर्क कहलाएगा। अब इसको हम एक नेटवर्क कह सकते हैं, पूरे इस रूम के अंतर्गत जितने भी ये कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से इन्होंने क्या कर रखा है, कम्युनिकेशन कर रखा है, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। यहाँ ये भी, यहाँ पे भी देखिए, ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे, तो ऐसे ये मिल करके क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। पूरा मिल करके क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। अब इस नेटवर्किंग की, कंप्यूटर नेटवर्किंग की ज़रूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी, अब इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक एड्रेस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। यह एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है। अब इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, और यह एड्रेसिंग किस कितने प्रकार की होती है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि एड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है। एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरी होती है फिजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, यह एड्रेस यूज़र द्वारा चेंज किया जा सकता है। वह एड्रेस जो यूज़र द्वारा चेंज किया जा सकता है, अब इसका मतलब क्या है, यूज़र किस एड्रेस को चेंज कर सकता है। वैसे एक बार इसको बताए, इसको यहाँ एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये यूज़र द्वारा कैसे चेंज किया जाता है। इसका एग्जांपल आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस एक मोबाइल के अंतर्गत होता है, इसको यूज़र यानी कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं हमारे मोबाइल में आईपी एड्रेस को। और दूसरा क्या है, फिज़िकल एड्रेस। यह एड्रेस यूज़र द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल क्या है, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस एड्रेस, मैक एड्रेस को यूज़र चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। पहला है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, आईपी एड्रेस, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए एड्रेस की आवश्यकता होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, डाटा सेंड और रिसीव का मतलब, ये आप सभी जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में कोई भी PDF वगैरह, फ़ोटो, वीडियो, मूवी, कुछ भी डाटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसके लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, और वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ही देखते हैं कि आईपी एड्रेस काम कहाँ आता है, डाटा सेंड और रिसीव करने में। अभी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस के, पहला है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा है प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब इसको देखते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, ऐसे आईपी एड्रेस जो आईएसपी द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब ये आईएसपी क्या होता है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ही हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और दूसरा है प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो ऐसे आईपी एड्रेस जो यूज़र या राउटर द्वारा दिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये आईपी एड्रेस यूज़र और राउटर द्वारा कैसे दिए जाते हैं। अब आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि आपने कभी अपने मोबाइल को वाईफाई को इंटरनेट को वाईफाई से कनेक्ट किया होगा, तो वहाँ एक राउटर लगा होता है, और उस राउटर का एक आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस जिस, और उस राउटर के नीचे जितने भी मोबाइल्स वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, उनका
अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, राउटर के नीचे ही उनका आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। ये होस्ट आईडी राउटर हो जाता है, उसके नीचे जितने भी मोबाइल जुड़ते हैं उनकी नीचे इस राउटर के आईपी एड्रेस के नीचे ही 1, 2, 3 ऐसे करके उनका आईपी एड्रेस दिया जाता है। इसको राउटर वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यहाँ इतना यही देख लीजिए कि ये आप प्रोवाइड किस प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़र और राउटर द्वारा दिए जाते हैं। अब यहाँ समझते हैं आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं। एक तो होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 मतलब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब इन दोनों को देखते हैं, IPv4 और IPv6 को कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है इनके अंतर्गत, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें देखते हैं। पहला है IPv4 और IP, दूसरा IPv6। अब देखिए ये कहाँ पहला डिफरेंस देखते हैं इसमें, यूज़ फॉर पब्लिक नीड। अब इसका मतलब क्या है यूज़ फॉर पब्लिक नीड का, ये पब्लिक नीड के लिए IPv4 दिया जाता है, यानी कि बड़े से बड़े नेटवर्क के लिए। पब्लिक नेटवर्क क्या है, एक बड़ा सा बड़ा नेटवर्क है तो उसके लिए IPv4 दिया जाता है, और यूज़ फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए IPv6 दिया जाता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर के लिए दिया जाता है, इतना बड़ा से बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, छोटा नेटवर्क होता है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इट हैज़ बेसिकली 5 क्लासेस, और IPv4 को 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है, और जबकि IPv6 को अभी एक भी क्लास में डिवाइड नहीं किया गया। नाउ इट इज़ नॉट डिवाइडेड इन एनी क्लास। एंड थर्ड देखते हैं, IPv6 कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का एड्रेस होता है, और IPv6 का 128 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसमें ये 5 क्लास में डिवाइड था, 5 क्लास कौन कौन सी है, ABCDE, ये 5 क्लास में डिवाइड, और ये कोई भी क्लास में डिवाइड नहीं है। फिर अगला देखते हैं, IPv4 इट हैज़ 4 ब्लॉक। IPv4 के अंतर्गत 4 ब्लॉक होते हैं और IPv6 के अंतर्गत 6 ब्लॉक होते हैं। अब इसका मतलब IPv6 के अंतर्गत 8 ब्लॉक होते हैं, मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप इसका मतलब ये लगा लेना कि IPv4 है तो 4 ब्लॉक होंगे, IPv6 है तो 6 ब्लॉक होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है, तो इसके अंतर्गत 4 ब्लॉक होते हैं और इसके अंतर्गत 8 ब्लॉक होते हैं। और ये 4 ब्लॉक किस तरह से होते हैं, ये देखिए, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा और चौथा ब्लॉक, और इनके अंतर्गत देखिए 4 ब्लॉक एंड 3 डॉट होते हैं, एक ये वाला डॉट हो गया, एक ये वाला डॉट हो गया, एक ये वाला डॉट हो गया। इनको सेपरेट, इन ब्लॉक्स को सेपरेट डॉट के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत 8 ब्लॉक होते हैं ये वाले, और इनको सेपरेट कॉलन द्वारा किया जाता है, ये बिंदी सी लग रही है तो इनको कॉलन बोला जाता है, कॉलन द्वारा सेपरेट किया जाता है। देखिए एवरी पार्ट सेपरेट बाई कॉलन, और इट इज़ अ डेसीमल नंबर, और ये दोनों क्या होते हैं, डेसीमल नंबर में होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक के, इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला डिफरेंस देखते हैं, इसमें 8 बिट पर ब्लॉक होता है और इसमें 16 बिट पर ब्लॉक होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये देखिए इसको समझते हैं। इसमें ये देखिए, इसका बिट कितने एड्रेस का है, 32 बिट का है, ठीक है। एंड इसका ब्लॉक कितना है, 4 ब्लॉक है, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 32 में 4 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका कितना बिट का ब्लॉक आ गया, 8 बिट का, 8 बिट पर ब्लॉक आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको देखते हैं, इसका कितने बिट का एड्रेस है, 128 बिट का एड्रेस है, ठीक है, 128। एंड कितने ब्लॉक हैं, इसके अंतर्गत 16 ब्लॉक हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ब्लॉक से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये 8 नहीं होगा, 16 बिट पर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, 16 बिट पर ब्लॉक आ जाएगा। और ये 1 बाइट और 2 बाइट का मतलब क्या है, ये देखिए, 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, यानी कि 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं, और तो फिर ये 16 बिट को कितना बाइट बोलेंगे, 2 बाइट बोलेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ये डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों के अंतर्गत। अब इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, IPv4 को अलग पढ़ेंगे, IPv6 को अलग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये हम पढ़ेंगे कि ये कितने क्लास के होते हैं, कौन कौन सी क्लास हैं, और इन क्लासों को किस तरह से डिवाइड किया गया है कौन। तो इसमें 5 क्लास में डिवाइड किया गया है IPv4 को, कौन कौन सी, ABCD और E, ठीक है। यहाँ पर एक नोट देखते हैं,
क्लास की क्लासिफिकेशन में IPv4 की सबसे पहली न्यूमेरिक बाइट का उपयोग किया जाता है। अब ये न्यूमेरिक बाइट क्या होती है हम इसको आगे बताएंगे, बस आप यहाँ इस नोट को याद रख लेना न्यूमेरिक बाइट क्या होती है। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिक बाइट का यूज़ किया जाता है IPv4 में, ठीक है। अब ये देखते हैं सबनेट मास्क एंड सबनेट वर्क क्या होता है। ये देख, किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई बड़ा नेटवर्क है उसको छोटे छोटे नेटवर्कों में बांटने के लिए सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ये स्टार पॉइंट है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पर आधारित होता है। जो सबनेट मास्क होता है ना वो होस्ट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पर आधारित होता है। अब ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं क्लास ए के लिए। क्लास ए के लिए हमने एग्जांपल लिया तो इसमें नेटवर्क आईडी क्लास ए के लिए फर्स्ट हो जाएगी एंड होस्ट आईडी ये तीन हो जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये है नेटवर्क आईडी यानी कि ये तो फिक्स रहेगा नेटवर्क आईडी 126, ठीक है। अब इस होस्ट आईडी के अंतर्गत ये चेंज होते रहेंगे, ये यहाँ पर ये वाला चेंज होता रहेगा, 225 224 चेंज होता रहेगा, 220 चेंज होता रहेगा, ये सारे चेंज होते रहेंगे। जितने जितने इसके अंतर्गत एड्रेस जोड़े जाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो 126 है, 220 है, 224 है, 225 है, इनमें ये कहाँ तक हाईएस्ट कितने तक होता है, ये 255 तक होता है, 255 तक हाईएस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं 1000-2000 तक ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 255 तक ही फिक्स होता है इसका, ठीक है। अब आगे और देखते हैं इसको क्या होता है। अब देखिए क्लास ऑफ IPv4, अब IPv4 की क्लास देख लेते हैं ABCDE को कि क्या होती है। अब देखिए पहले देखते हैं फर्स्ट क्लास ए क्या होती है। क्लास ए के अंतर्गत यह न्यूमेरिकली सबसे लोवेस्ट क्लास होती है, न्यूमेरिकली सबसे लोवेस्ट क्लास होती है, ठीक है। इस क्लास में पहली न्यूमेरिक बाइट का यूज़ नेटवर्क आईडी और अंतिम तीन का न्यूमेरिक बाइट का यूज़ होस्ट आईडी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए न्यूमेरिक आईडी बोला था ना ऊपर, यहाँ पे हमने नोट में देखा था कि IPv4 के लिए फर्स्ट न्यूमेरिक बाइट का यूज़ किया जाता है। अब ये न्यूमेरिक बाइट होती क्या है, ये देखिए ये वाली न्यूमेरिक बाइट होती है, ये पूरी ये वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ बोला है कि इसने पहली न्यूमेरिक बाइट यानी कि इसका यूज़ क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी के रूप में किया जाता है और अंतिम तीन का न्यूमेरिक बाइट का यूज़ होस्ट आईडी के लिए किया जाता है, यानी कि इन तीनों का यूज़ होस्ट आईडी के लिए किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं क्लास ए के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, ये पब्लिक वाला था, यानी कि क्लास ए सबसे बड़ा है, पब्लिक नेटवर्क में भी एड्रेस में भी क्लास ए सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। IPv4 का 50% भाग क्लास ए के लिए रिजर्व है, यानी कि IPv4 के 5 भाग हैं उनमें से 50% भाग क्लास ए के लिए ही रिजर्व है। और इसकी रेंज देख लेते हैं कितने से कितने तक होती है, रेंज 1 से 126 तक की रेंज होती है, यानी कि फर्स्ट आईडी न्यूमेरिक आईडी में जो ये नेटवर्क आईडी है ना न्यूमेरिक बाइट में नेटवर्क आईडी फर्स्ट वाली ये 1 से 126 तक हो सकती है लास्ट, ठीक है। और ये तो फिर चेंज होते रहते हैं, 5, 6, 7 अगला 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 ऐसे फिर 255 तक जाएगा ये, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ ये 6 वाला, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ऐसे ये 255 तक जाएगा, ऐसे ये भी 255 तक जाएगा, ये इस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क देख ली, सबनेट मास्क कितना होता है, 255000, यानी कि इसका सबनेट मास्क 255000 होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि इसमें फर्स्ट नेटवर्क आईडी कितनी, कौन सी वाली की यूज़ किया जा रहा है, फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से कितना भी हो सकता है, ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 से होगा फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्लास बी को देखते हैं, क्लास बी में क्या है, क्लास बी में भी वही, यहाँ पे ये समझते हैं कि इसमें न्यूमेरिक बाइट में पहली दो न्यूमेरिक बाइट का उपयोग नेटवर्क आईडी के लिए किया जाता है
एंड लास्ट 2 byte न्यूमेरिक बाइट के लिए होस्ट आईडी के लिए किया जाता है, क्लास बी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रेंज कितने से कितने तक, 128 से 191, यानी कि इसमें पहले वाले में 1 से 126 हो गई, अब दूसरे वाले में हो गई क्लास बी के लिए 128 से 191। तो इसमें 127 यहाँ पे एक रिज़र्व है, उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। 127 कहाँ गया ये मत सोचना, ये 127 रिज़र्व कर रखा है तो उसके लिए ये फिक्स होता है, तो उसको हम नीचे देखते हैं 127 में। ये समझ में आ गया, स्किप न्यूमेरिक बाइट में पहली 2 न्यूमेरिक बाइट नेटवर्क आईडी के लिए होती है और लास्ट 2 होस्ट आईडी के लिए होती है। अब इसका सबनेट मास्क है, पहला तो 255 होता है एंड दूसरा भी 255 होता है, क्योंकि 2 न्यूमेरिक बाइट नेटवर्क आईडी है, ये दोनों नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी 00 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। नोट क्या ये रहा, 127.001 यह एक लूप बैक आईपी एड्रेस है, ये एक लूप बैक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब क्लास सी में देखते हैं, क्लास सी में न्यूमेरिक बाइट में हम नेटवर्क आईडी के रूप में 3 न्यूमेरिक बाइट का, फर्स्ट 3 न्यूमेरिक बाइट का यूज़ नेटवर्क आईडी के लिए करते हैं एंड लास्ट न्यूमेरिक बाइट का यूज़ हम होस्ट आईडी के लिए करते हैं, समझ में आ गया। और इसका रेंज होता है 192 से 223, ठीक है। एंड सबनेट मास्क होता है इसका 255 255 255, यानी कि ये इतना नेटवर्क आईडी होती है इसकी ये वाली, और इसमें यहाँ से स्टार्ट किया जाता है जो भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है वो, ठीक है। ये क्लास सी हो गई, अब हम क्लास डी की बात करते हैं। क्लास डी में भी वही है कि न्यूमेरिक बाइट में फर्स्ट, इसमें न्यूमेरिक बाइट में इसमें नहीं है यूज, इसमें तो पहले से फिक्स बता रखा है कि ये नॉट डिफाइन, यानी कि सबनेट मास्क इसका डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसके लिए न्यूमेरिक बाइट में बस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी रेंज हो सकती है 244 से 239 की, ठीक है। इसमें ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का डिवाइड नहीं किया गया है, डिफाइन ही नहीं किया गया है, ठीक है। क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है, रिजर्व क्लास फॉर रिजर्व रिसर्च पर्पज के लिए। हाँ, इसका मतलब ये, और देख लीजिए कि ये क्लास डी है जो ये मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए यूज़ किया जाती है और रिजर्व कर रखी रिसर्च पर्पज़ के लिए, जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं उनके पर्पज़ के लिए सिर्फ ये उन्होंने वो कर रखी, रिजर्व कर रखी है, ठीक है। अब देखते हैं क्लास ई क्या है। क्लास ई, क्लास ई में वो ये दे रखा है 240 से 255 तक की रेंज दे रखी है, ठीक है। एग्जांपल 240 255 255 255 है, और क्लास ई रिज़र्व फॉर फर्दर यूज़ के लिए, एंड क्लास ई डी और ई दोनों रिज़र्व कर रखी है, ठीक है। ये ख़त्म होता है क्लास आई पी बी फोर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगला देखते हैं हम मैक एड्रेस। आई पी एड्रेस ख़त्म हो गया, अब दूसरा है मैक एड्रेस, ठीक है। अब इसको समझते हैं मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये होता क्या है, किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है, यह एड्रेस डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही दिया जाता है। ये जो फिजिकल एड्रेस है, जैसे ही डिवाइस बनाई जाती है तो उसके अंतर्गत ही डाल दिया जाता है, इसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। और यह मैक एड्रेस दिया किसके द्वारा जाता है, IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स द्वारा मैनेज किया जाता है आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस का फॉर्मेट देख लेते हैं, आईपी नहीं मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। एक मैक एड्रेस में 2-2 कैरेक्टर के 6 सेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये वाला MMMM, ये 2SSSS, यानी कि 2-2 कैरेक्टर के 6 सेट हो गए। दूसरा देख लेते हैं, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है तथा इसके 6 पार्ट होते हैं। अब ये देख लीजिए, 48 बिट का होता है तो इसके 6 पार्ट होते हैं, तो प्रत्येक पार्ट कितने का हो गया, 8 बिट का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और आईपी एड्रेस में बताया था ना, आईपी एड्रेस में IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। उसके अंतर्गत IPv4 के अंतर्गत 4 पार्ट होते हैं और IPv6 के अंतर्गत 8 पार्ट होते हैं। और IPv4 में प्रत्येक पार्ट कितने बिट का होता है, प्रत्येक पार्ट
8 बिट का होता है और IPv6 में प्रत्येक पार्ट 16 बिट का होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक एड्रेस में देख लिया, मैक एड्रेस में 48 एड्रेस का होता है, 6 पार्ट होते हैं और 8 बिट पर पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैक एड्रेस के पहले 3 पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आईडी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है कि मैक एड्रेस के जो 6 पार्ट होते हैं उनमें से पहले 3 पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आईडी होती है और अंतिम 3 पार्ट बनाए गए डिवाइस के सीरियल नंबर होते हैं। जो भी डिवाइस बनाई गई है उसका सीरियल नंबर अंतिम 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। देखिए यहाँ पे ये मैक एड्रेस कंप्लीट होता है। अब हम शुरुआत करते हैं अगला नेटवर्किंग का, अगला वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड, अभी कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। अब इन तीनों को समझते हैं कि क्या होते हैं ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। पहला समझते हैं सिंप्लेक्स। इस मोड में डाटा वन डायरेक्शन में होता है। यदि डाटा रिसीव हो रहा है तो सेंड नहीं किया जा सकता, और यदि डाटा सेंड हो रहा है तो रिसीव नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक साइड से डाटा, यानी कि इस मोड में सिंप्लेक्स में अगर डाटा सेंड हो रहा है तो सेंड ही होगा, ठीक है। इधर से सेंड हो रहा है तो सेंड ही होगा, अगर डाटा रिसीव हो रहा है तो रिसीव ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देख लीजिए, आप एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए पहला है रेडियो। अब रेडियो का एग्जांपल ये है कि हम रेडियो स्टार्ट करके सिर्फ सुन ही सुन सकते हैं रेडियो को, इसके अलावा इधर से कुछ नहीं भेज सकते ना हम, यानी कि हम रिसीव ही रिसीव कर सकते हैं रेडियो के द्वारा। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा हो गया टीवी। टीवी के अंतर्गत भी हम सिर्फ देख ही देख सकते हैं, यानी कि डाटा रिसीव ही कर सकते हैं, इधर से नहीं भेज सकते। अब यहाँ देखिए माउस और कीबोर्ड। अब इन माउस और कीबोर्ड का मतलब क्या है, ये इसमें क्या है कि माउस से हम डाटा सेंड कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी हम डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन रिसीव नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ गया सिंप्लेक्स क्या होता है। एक साइड से डाटा अगर रिसीव हो रहा है तो डाटा रिसीव ही होगा एक डिवाइस से, और इससे एक से अगर सेंड हो रहा है तो सेंड ही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स इसके अंतर्गत है कि डाटा अगर एक टाइम में सेंड हो रहा है तो डाटा सेंड ही होगा एक टाइम के अंतर्गत, अगर डाटा रिसीव हो रहा है तो उस एक टाइम के अंतर्गत फिर वो रिसीव ही होगा। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखिए वॉकी टॉकी। पहला एग्जांपल वॉकी टॉकी और दूसरा है पुलिस वायरलेस। जो पुलिस वालों के, आपने पुलिस वालों के देखा होगा, वो पीछे लटका रहता है और उसमें हमेशा वॉइस चलती रहती है, बोलता रहता है कोई भी, है ना। तो उसके अंतर्गत एक टाइम में अगर वो बोल रहा है तो बोलता रहेगा, अगर तुम्हें सिर्फ सुनना ही सुनना है फिर तुम अगर इधर से बोलोगे तो वो तुम्हारी आवाज़ को भेजेगा, ठीक है, पर तुम उसमें सुन नहीं सकते। यानी कि एक टाइम में डाटा सेंड किया जा सकता है और एक टाइम में डाटा रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स को देखते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या है, देखिए फुल डुप्लेक्स में है, फुल डुप्लेक्स यानी कि एक साइड से डाटा, इसमें देखिए ये डाटा एक टाइम में हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक ही टाइम के अंतर्गत। अब इसका एग्जांपल क्या होता है वो समझ लीजिए अच्छे से। एग्जांपल है एक टाइम में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल है मोबाइल हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। इसमें आप समझ रहे होंगे कि मोबाइल में हम एक साइड से इधर से बोल भी सकते हैं एक ही समय पर और सुन भी सकते हैं दोनों साइड से। ऐसे ही वीडियो कॉलिंग में हम बोल भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ऐसा ही होता है। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। इतना हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।
अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में और आगे जितने भी टॉपिक हैं वो अगली नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।